20 अगस्त 2023 संपूर्ण भारत का मौसम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। क्या बड़ा अपडेट है, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप सभी मौसमी खबरों के साथ काम की खबरों से अपडेट। सबसे पहले जान लेते हैं किस प्रकार से वर्तमान में बना हुआ है मौसमी सिस्टम। निम्न दबाव का एक क्षेत्र जो है झारखंड और उससे सटे उत्तरी आंतरिक उड़ीसा और उससे सटे हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ पर स्थित है, जिससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उसके उत्तरी छत्तीसगढ़ में पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। औसत समुद्र तल पर मानसून ट्रफ रेखा अब अमृतसर, हिसार, दिल्ली, हरदोई, वाराणसी, कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र बालासोर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी से गुजर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ को एक गर्त के रूप में देखा जाता है, जिसकी धुरी 5.8 किलोमीटर पर लगभग 71 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है। बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मौसमी हलचल की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना के कुछ हिस्से और पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश दर्ज हुई है। वहीं आंतरिक उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी असम, दिल्ली में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं सिक्किम, गंगे पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, कोंकण, गोवा, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और पूर्वी हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, तटीय तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की बारिश दर्ज हुई है। चलते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम की ओर। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान और तेलंगाना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर तीव्र दौरों के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई और हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी गुजरात और मराठवाड़ा में हल्की बारिश संभव है। तो इस प्रकार से रहने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटे का मौसम। वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, रह सके सभी मौसमी खबरों से अपडेट।